नमस्कार दोस्तों, मिशन सौ करोड़ के पेज पे आपका स्वागत है। इस समय हम इंदिरापुरम के भारत रेजिडेंसी के अपार्टमेंट में हैं और ये जो कंक्रीट के जंगल हो गए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, इसको हम लोग तोड़ा जा रहा है और सीमेंट की जगह हटा के वहाँ पे पेड़ लगाया जा रहा है। तो आप भी अपने आसपास अगर जगह नहीं है जहाँ सीमेंट की सड़क बनी हुई है उसको हटाकर पेड़ लगाइए ताकि आपकी गाड़ी और आपका सर ठंडा रह सके। धन्यवाद राहुल यादव जी देखने के लिए, आज आप लोग का इंतजार था, आज थोड़ा लेट हो गया 7:30 बजे, लेकिन हम फिर इंदिरापुरम में हर संडे की तरह यहाँ पर हमारे पेड़ लगाने का कार्यक्रम है और यहाँ पे काफ़ी लोग जागरूक हैं। यहाँ ग्रीन क्या नाम है यहाँ के जो ग्रीन टीम है जो इंदिरापुरम में, और बहुत बढ़िया आप लोग आने लगे देखने लगे, इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और लोगों को फैलाइए। इस जो गर्मी पड़ रही है 2-3 दिन से 47 से 48-50 तक पहुँचने वाला है, अगर इस बार हम नहीं सुधरे तो अगले बार और भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, कदम है देखिए ये कम से कम 10-12 फुट का कदम है और ये बारिश होगी तो फैल के खूब सुंदर हो जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। हम लोग बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं कि ज़्यादा दिन हमें इंतज़ार ना करना पड़े। धन्यवाद राहुल यादव साहब, हरविंदर सिंधु जी धन्यवाद, इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और संडे अपना पेड़ लगा के गेम जैसे मनाइए, बहुत मज़ा आता है। हम लोग पेड़ लगाते हैं तो एक खेल जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेल के इंजॉय करते थे वैसे हम लोग पेड़ लगा के इंजॉयमेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे लोग इतने लोग यहाँ के जागरूक हैं और ये लोग पूरा अपने अपार्टमेंट को हरा करेंगे और पेड़ लगाएंगे इस मानसून। तो हमारा है कि मिशन 100 को टारगेट हम लोग अकेले नहीं पूरा कर पाएंगे, जब तक पूरी जनता जागरूक नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। हम बहुत लगा देंगे, लाख लगा देंगे, लेकिन हमें क्या नाम है सर आप? दिलीप। कहाँ रहते हो आप? अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ सोचा है इन्वायरमेंट खराब हो रहा है कैसे इसको सही किया जाए? पेड़ लगा के अपना योगदान दूंगा ताकि इन्वायरमेंट बना रहे और जो भी पेड़ों की हेल्प होगी वो मैं करूँगा, जैसे कि पेड़ लगाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी देखभाल करूँगा। बहुत बढ़िया, यही है पेड़ लगाइए, बहुत बड़ा काम नहीं करिए, आपको नहीं कह रहे हैं कि हम आप लोग बहुत बड़ा काम किए, छोटा काम कीजिए एक पेड़ लगाइए। और इस समय लीची आम के गुठली आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं, उनको आप छोटे छोटे पॉलिथीन में मिट्टी लगा के इसको पेड़ बनाइए। और ये देखिए हमारा कदम लग गया है, उम्मीद है कि अगली बार आएंगे यहाँ पे, गाड़ी खड़ी होती है गाड़ी इनकी ठंडी रहेगी और ये जो फर्स्ट फ्लोर के लोग हैं सेकंड फ्लोर तक है वहाँ तक ऑक्सीजन जाएगा। तो हमें ये करना है कि हम जानते हैं आपकी मजबूरी, अपार्टमेंट में रहते हैं आपके पास स्पेस नहीं है, लेकिन आप बालकनी में इंडोर प्लांट आते हैं आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं और आपको कम से कम ऑक्सीजन मिलता रहे, आप स्वस्थ रहें। सब लोग अलग अलग भी लगाएंगे ना पेड़, मल्टीप्लाई होगा। और कोशिश कीजिए कि हर आदमी अपना अपना एक टारगेट ले ले कि हम 10 पेड़ इस बार पालेंगे, 20 पेड़ पालेंगे और सबका एक टारगेट होना चाहिए। और ये हमारा कदम लग गया, आईटीओ के पुल पे आओ, छठ घाट जो है हाँ हाँ, हमने वहाँ पे बरगद और वो लगाया था, पीपल लगाया था और सफाई भी की थी। संकल्प लिया कि छठ में तब करूंगा जब मेरा नदी का स्टेज साफ लेकिन हम उनको और जागरूक करना पड़ेगा, और फास्ट काम करिए और जब जनता सो डेढ़ सौ दूसरा लोकेशन खोल लीजिए, वीडियो बनी रहा फोटो खींचिए राजीव जी, फोटो इसका लॉक है क्या? और आप लोग भी अपने आसपास लगाइए, देखिए गर्मी है बहुत गर्म है, पहले रात ठंडी होती थी अब रात भी गर्म होने लगी, रात में भी लू चलने लगी है और ये सब हमारे देन है, हम जो एसी चला रहे हैं उसका गर्मी बाहर निकल रहा है लेकिन पेड़ नहीं लगा रहे हैं। ठीक है एसी खूब चलाइए, खूब कार चलाइए लेकिन खूब पेड़ भी लगाइए।
और कोशिश कीजिए कि डीजल वाली गाड़ियों को कम उपयोग किया जाए, पेट्रोल और गैस थोड़ा बहुत ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए। अब तो लोग कूलर यूज करना भी कम कर दिए, जबकि कूलर बेटर है। कूलर बेटर है लेकिन कूलर काम नहीं कर रहा है। और लग गया, अब हमारा दूसरा कदम का पेड़ है, अब इसके लिए जगह देखे जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो कि बालकनियों पे कुछ लोगों ने लगा रखा है, लेकिन इसको घना बनाइए, अपने बालकनी को एकदम छोटा गार्डन बनाइए। और आपको पेड़ चाहिए सस्ते में, पेड़ हम दिलाएंगे, बस आपको केयर करना है और उसको बड़ा करना है। पार्क में सही, हाँ पार्क, जैसे बीच यहाँ भी स्पेस है, छेद हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ड्रेन है ये सब। अच्छा अच्छा, और ये सारी देखिए कितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं, और ये सब जागरूक है, तो और अच्छा लगता है कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट मिलता है। और अभी हम 5 जून को पेड़ बांट रहे हैं, आप लोग लाल किला पे आइए और जितने पेड़ हैं आप ले जाइए, और अपने बालकनी में एक छोटा सा स्मॉल सा जंगल बनाइए, ताकि आपको हाँ। और 4 को हमारे अध्यक्ष साहब हैं आरके शुक्ला जी, इनके पोते का जन्मदिन है, तो हम लोग यमुना घाट को सुंदर बनाना चाह रहे हैं। और ITO पे आप जाते होगे तो देखोगे कि गंदी यमुना और पेड़ नहीं है, तो हम लोग वहाँ से पेड़ लगा के गिरनी बना रहे हैं। पेड़ लगाने से जगह खूबसूरत हो जाती है, अगर कहीं कूड़ा भी थोड़ा पड़ा, अगर वहाँ हरे भरे पेड़ हैं, वो चीज़ काफ़ी सुंदर लगता है। बताओ ये पार्क है, यहाँ पेड़ ही नहीं है, कैसा पार्क है? हाँ भाई, देखिए अपार्टमेंट है और यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ घना जंगल होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ सही रहेगा एंट्री में। यहाँ तो काफी स्पेस है, यहाँ तो अभी 50-100 पेड़ लग जाएंगे। लाइए यहाँ लोकेशन, ये पानी आता है बढ़िया है ना, पानी बढ़िया है, देखना ज्यादा पानी नहीं सड़ भी जाएगा जड़। नहीं ज्यादा पानी नहीं, ओवरफ्लो वगैरह थोड़ा होता है ना मोटर से, कभी कभी लीक करता है, वो आता है, ये तो थोड़ा सा। और ये सुकेत जी हमारे इंदिरापुरम में मेहनत कर रहे हैं, और पूरा इंदिरापुरम वैशाली इनके हाथ में है, और काफ़ी लोग जागरूक करके पेड़ लगवा रहे हैं। और ये देखिए इतने लोग आ रहे हैं सुबह उठ के अपने संडे को, और पेड़ लगा के। और गर्मी बहुत हो गई, गर्म लू चल रहा है, कोशिश कीजिए कि अपने गाड़ी में अपने पानी के पीने के लिए और साथ साथ पेड़ों को भी पानी पिलाने के लिए एक बोतल रखिए। और किसी ने पेड़ लगाया हो, सरकार ने लगाया हो, कोई पेड़ अगर सूख रहा है, उसके पत्ते लटक रहे हैं, तो वो आपसे पानी मांग रहा है, उसको पानी पिलाइए ताकि वो जल्दी से बढ़ा। 1 महीना बस बचाना है आपको, फिर बरसात आते आपको कुछ नहीं करना है पेड़ों को, वो फिर अपने आप बढ़ेंगे। और इसलिए हम बड़े पेड़ लगा रहे हैं कि जड़ मजबूत है और ये जल्दी सूखेंगे नहीं। और देखिए यहाँ पे काफ़ी पेड़ लग सकते हैं, इस बार इस पार्क को घना बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। और आप देखो ये बालकनी है, खाली है लोगों का, अब हमें कोशिश है कि ये बालकनी अपना पेड़ों से भर दें। पत्थर है क्या? थोड़ा चूना है, मट्टी खराब है थोड़ा, यहाँ की छोटा सा कुदाल आता है ना जो हमके पास है, वैसे ही छोटा पावड़ा। हाँ हाँ, चलिए आइएगा आइएगा, आइए हाथ लगाइए आप लोग, और अपने सोसाइटी में पूछिए जिसने पेड़ नहीं लगा उसके हाथों पेड़ लगवाइए, सब एक पुण्य में भागीदार हो। और अपने बच्चों को सिखाइए,
अबे जड़ इतने बड़े हैं ना, इतने बड़े पेड़, बस इसको थोड़े 10-15 दिन एक महीने पानी देना, उसके बाद इसको पानी देने की जरूरत नहीं, ये फिर खुद पानी निकाल लेगा। नहीं नहीं, इतना बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ कोई होता है, इसको जरूरत नहीं होगी, इसकी जड़ अंदर घुस जाएगी, फिर खुद पानी अपना ढूंढ के निकालेंगे। हाँ, छोटे पेड़ों को थोड़ा जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है, छोटे नहीं होंगे, छोटों को केयर देना पड़ता है। नीम और पीपल जल जाते हैं, बस नीम और पीपल को पानी की जरूरत। बकेन, बरगद, पिलखन, और इनकी उम्र भी लंबी होती है, 500-500 साल होती है, तो ये होता है कि हम रहे ना रहे वो आगे तक ऑक्सीजन देते रहेंगे। यहाँ मिल नहीं रहा नर्सरी में, हाँ हाँ मंगवाना पड़ेगा, उसका बीज है हमारे पास लेकिन पेड़, यहाँ नर्सरी में लोग फूल लगवाते हैं तो पेड़ तो मिलता ही नहीं है यहाँ पर। राजीव जी ये हमारा कदम लग गया, और ये 2-3 साल में बैनर बॉल जैसे इस पे फल, नहीं यहाँ पे खींच लो, नीचे क्या होती है एनर्जी लेती है, तोड़ेंगे ऊपर भागता जाएगा, अगर नीचे से निकलेगा ना तो एनर्जी लेके इधर भागेगा। यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, उसको ऊपर भागेगा, अगर यहाँ से निकलेंगे ना तो यही इसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, यहीं पे बस गोल होता जाएगा, तो नीचे से हमें पत्ते छाट देना, ऊपर छोड़ देने। कोई नहीं, नीचे से निकल जाएगा, निकल जाएगा, हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग होता है कनेर तो। कल वहाँ आर के गुप्ता जी का है फिल्म सिटी में, वहाँ भी आइए, मजा आएगा, सारा मीडिया है ना वहाँ पे। फिल्म सिटी नोएडा, अब वो पूछा जाएगा, फोन उनका आएगा, बात करूँगा मैं। और ये लगातार एक महीने बाद मानसून आने वाला है, जितने ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगा लें कि हमारी धरती हरी हो जाए, और कम से कम आप हर जगह पेड़ नहीं लगाते तो अपने घर के आसपास लगाइए कि वहाँ का टेम्परेचर कुछ डाउन हो, 40 से नीचे लाइए, वही तो बच्चों को सिखाना है। और यहाँ हमने लगा दिया, अगली बार और पेड़ देंगे तो पूरा इसके किनारे पेड़ लगेगा। कोई नहीं, तोड़ दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, ये भी बच जाएगा तो ठीक, नहीं बचेगा, ये गर्मी है ना, यहाँ से निकल आएगा नया पत्ता। आप अपना बनाओ फिर उनको लगाओ, थोड़ा बड़ा करो लगाओ, जब तक रहेगा, मैं खुद 10 मेरे नीम बनाए हैं, वो इतना मोटा हो गया, लेकिन बच्चों से पाला उसको मुझे कहीं दे नहीं सकता। हाँ हाँ, बिना धूप के सर्वाइव कर जाएंगे। हाँ, नीम, आम, गुठली डाल दीजिए उनको, बस लाइट बनी चाहिए, वो जाड़े में सो जाएंगे, ठंड में सो जाते हैं, फिर गर्मी में वो धूप वाले हैं आम के पे निकल जाते हैं। वहाँ का पेड़ लाइए, हल्द्वानी का, गढ़वाल का पेड़ ला के यहाँ लगाइए, हम तो बाहर से पेड़ मंगवाते हैं, जो जो यहाँ नहीं हो रहा है। अब अशोक बोल रही हो, मैंने बाहर से बीज उसका मंगवाया, पाइन ट्री होता है ना, वो भी चल जाता है यहाँ। हाँ, चीड़, चीड़ का, हाँ, चीड़, चीड़, चीड़ लगा है, नहीं नहीं चीड़, 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 वहाँ खुद हो रही है, इसको तो निकालना पड़ेगा। नीचे ठोक दीजिए इसको,
ये गिलोय लगा है, गिलोय अरे नहीं पंखे किधर लगाइए, जल जाएगा, जल जाए, वो जल गया है ना फाइकस, इधर लगा दीजिए। हाँ वो बहुत गर्मी है, अरे उस लगा दी, उसमें नीम थोड़ी साथ में रहते हैं आराम से, प्यार से वो भी है, बड़ा पेड़ ही है ये बीच में गैप है ना। कोई नहीं है साथ में, अपने आसपास इन एक दो जड़ों से वो देते हैं, ताकत देते हैं, पेड़ भी मिलके रहते हैं जैसे हम लोग मिलके रहते हैं। हाँ अकेला सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाता है, अगर चार पांच पेड़ हों बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं। गर्मी आती है, हाँ ये भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा। राजीव जी लगने दी, एक अगर यहाँ पे पॉसिबल हो ना मैम, लेकिन बच्चे खेलते बच्चे बहुत तोड़ देते हैं, मतलब बहुत भाग जाते हैं। नहीं वो तो आपको ना फिर जाली का कराना पड़ेगा, एक सेंटर में बीच में गोल करके ना एक बर्गर करते हैं इसमें, नहीं वो खेलने के लिए उनको चाहिए। हाँ वो कहाँ खेले बेचारे, नहीं इसका ना सुरभि जी अगर हो सके तो साइड में जो है ना जाली का करा दोगे तो वो टिक जाएगा, बच्चे खेले अंदर खेलना, ये तो टिक जाएगा, ऐसे लोग नहीं मानेंगे। अभी खुशबू वाले फूल लगेंगे ना इसमें तो और खुशबू अच्छा लगेगा, वो इसीलिए नहीं लगाता है, कह रहा है कि सब बच्चे तोड़ देते, कई सारे तोड़ चुके हैं, फिर दुख लगता है ना, पौधे जाते हैं हम तो खरीद के लगाते हैं। अभी कारण का नया सोसाइटी आ रहा है उसके लिए तो नहीं, अब इनको ना फ्री बट रहा है ना, सबके बालकनी पे दीजिए कि भाई ये सजाइए इसको, अगर यहाँ मधुमालती भी लगाने ना रस्सी से पूरा चढ़ के तो इसको इस पे बिल्डिंगों पे चढ़वाई ना, कम नहीं होते पता है क्या, बिल्डिंग ग्रीन ग्रीन अच्छी लगेगी आपको, देखा हुआ किधर किनारे लगा, किसी ने क्या करा लाइट नहीं, अभी देखो सीधा धूप पड़ रही है यानी हीट होता होगा अंदर, गर्मी इतनी होती होगी ना, लेकिन लोग एसी चला रहे हैं हमें क्या, हम तो बाहर अंदर ठंडे बाहर लोग, अगर ये पेड़ हो जाएगा इनके बराबर के तो हीट नहीं, हमारे पास और लोकेशन है, हमने सोसाइटी में जगह देख रखी है। और ये देखिए बिल्व का पेड़ यहाँ लगा हुआ है और सिंगार लगा हुआ है, और ये बहुत स्लो ग्रोथ होती है बिल्व का, इसलिए हम लोग थोड़ा कम लगाते कि बड़ा मिले, तो ये जामुन है, नीम है, और नीम की निमोरी गिरेगी तो और ज़्यादा दातुन कर सकते हैं, ये फाइकस है, पीपल को काट नहीं सकते, फाइकस इसीलिए लगाते हैं कि लोग छाट सके उसको, नहीं तो इसकी भी पीपल और बरगद जैसी उम्र होती है। और ये शीशम है, ये रात की रानी है, ये जामुन देखिए लगा हुआ है, बड़ा वाला जामुन है बड़ा वाला जामुन है, बहुत अच्छे वैरायटी का जामुन है, ये दिल्ली में मिलता नहीं है। हाँ ये बहुत दिनों बाद मैंने देखा, गांव में है मेरे, नहीं एक दिल्ली में छोटा छोटा मिलता है, ये देखिए जामुन है, बड़े बड़े जामुन है। हाँ ये बारिश का इंतजार हो रहा है, बारिश गिरते ही पक जाएंगे, और जामुन की यही खासियत है कि बहुत जल्दी पकता है, बहुत जल्दी गिर के ख़त्म हो जाता है, तो हरे हरे जामुन बड़े बड़े हो गए, पानी का इंतजार कर रहा है। और देख सकते हैं इसके नीचे इतना ठंडक, किसी ने जामुन लगाया इतना बड़ा हुआ है तभी यहाँ ठंडक है, नहीं पानी बारिश होगी तो पकेगा, लगा हुआ है जामुन, सबसे मजा आएगा ऐसे गिरे जामुन। तो लीची हम लोग गए थे ना हिमाचल, तो क्या बोलते हैं उसको, अखरोट अपरी क्या होता है अनिल जी, बात कर लीजिए ना, चलो मैं चलती हूँ।
और ये मिशन 100 करोड़ रिच का बैनर एक संकल्प है कि आप लोग मिलके, ये हमारा काम नहीं, हमारा मिशन नहीं 100 करोड़, आप सबका है, आप लोग सब मिलके इसको पूरा कर सकते हैं मिशन 100 करोड़ पे। 135 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या है, हम नहीं कह रहे हैं कि अगर 50 करोड़ लोग भी दो दो पेड़ लगाते हैं तो हमारा ये मिशन 100 करोड़ पेड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप हर आदमी, एक आदमी अगर दो पेड़ लगाता है तो सोचिए, एक अपना लगा रहे हैं, एक जो नहीं लगा रहे हैं उनका पेड़ लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम दो पेड़ लगाइए और उसको पाल के बड़ा कीजिए। और अगर बड़े बड़े पेड़ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तभी हमारा मिशन पूरा हो पाएगा, ये हम अकेले नहीं कर सकते। और अगर यहाँ 50 लोग हैं, दो दो पेड़ लगाते हैं तो 100 पेड़ हो जाएगा। तो हमारा जो इस बार दिल्ली में कम से कम 1 लाख का टारगेट है, उसमें से 100 पेड़ तो कम हो जाएंगे। तो यही है, हमें हर जगह जा जा के लोगों से पेड़ लगवा के अपना इस बार का हमने मिशन जो दिल्ली का रखा है 1 लाख का पेड़ रखा है, और ओवरऑल ऑल इंडिया कितना लगता है वो अलग है, लेकिन दिल्ली में हम चाहते हैं कि एक टारगेट रखें। Yes, right.